चारों भाई की शादी हो जाती है और जो भी विधि विधान होते हैं उसके अनुसार सारी रीति रिवाज निभाई जाती है। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। उसी मंडप में उसी विधि विधान से अन्य तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाता है। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया। बेटियों के पिता कहते हैं अपने दामादों से, दामाद जनों से, कि मेरी बच्चियां अबोध हैं, इनको बहुत समझ नहीं है, तो इनसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। सीता जी जब राम जी को देखती हैं तो शर्मा शर्मा सी जाती हैं। आजकल की लड़की एकदम नहीं शर्माती है। आजकल तो पेपर में आता है कि लड़की मोटरसाइकिल से खुद ही पहुंच गई, कहां अपनी शादी की एंट्री में, और घर से जब विदाई होती है तो लोग रोते भी नहीं है। पहले कितना रोते थे, अरे हम मोरी हमारे करो बिना कैसे रहा है हमारा अम्मा। और आजकल अम्मा कहती तनी रो दी, नहीं तो लोग का कहिए, इतना दिन तक पलली पोसली बड़बन कर ली और जात के बाद इनको सहानुभूति के कारण भी नहीं के रोती बेटी इनकर। जब जमाने का प्रभाव है। अब चारों जब दुल्हा ना माड़ों में खड़े हैं ना, तो जो जनकपुर की अम्मा लोग हैं, दीदी लोग हैं, वो लोग गा रही हैं। क्या गा रही हैं सुनो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। Oh,
बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया।